स्टूडेंट्स, आई एम मानविंद प्रताप, डिजिटल मार्केटर, वेबसाइट डेवलपर, क्रिकेट लवर. नाउ आई एम सोशल मीडिया मार्केटर एंड एफिलिएट मार्केटर. फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक के बारे में बात करने आया हूँ. वो टॉपिक है, व्हाट आर द टाइप ऑफ स्कैम्स इन ऑनलाइन बिजनेस. ठीक है, मैं आज आपको बताता हूँ कि कितने प्रकार के स्कैम हैं, ऑनलाइन स्कैम्स जो आजकल चल रहे हैं, और आपको उससे कैसे बचना चाहिए. उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और मेरे वीडियो को लाइक कर दो. ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ. देखो, ऑनलाइन बिजनेस में सबसे पहला स्कैम है, जो ऑनलाइन स्कैम हो रहा है, वो हो रहा है ईमेल फिशिंग के द्वारा. आपको एक अचानक से एक दिन आपके ईमेल आईडी पे कोई एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि आई एम विडो, और वो मेल हमेशा एक लड़की के नाम से आएगा. उसमें लिखा होगा कि आई एम विडो, मेरे पति इतने बड़े बिलीनियर थे, वो एक्सपायर हो गए, और आपको इतनी, मेरे पास इतनी सारी संपत्ति है, वो मैं संपत्ति या वो अमाउंट मैं आपको देना चाहती हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब डिटेल भर के भेजिए, और लिखिए आई एम अग्री, क्योंकि आप लालची हो और आप ज़रूर भेजोगे. ठीक है, फिर वो उसके बाद एक नेक्स्ट मेल और भेजेंगे, उसमें वो लिखेंगे कि आपको इतना अमाउंट देना है, जो कि हमारे यहाँ टैक्स लगता है इतना पैसा वहाँ भेजने के लिए, आप क्योंकि दूसरी कंट्री से हो तो आप इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा. आप लालची हो और आप बिना किसी को बताए वो पेमेंट दोगे. आप सोचते हो कि मैं लोगों को सरप्राइज दूंगा जब मेरे पास इतना सारा पैसा आएगा. नहीं भाई, ऐसा मत करो. कोई भी ऐसा मेल आता है कभी भी फिशिंग वाला, तो लोगों को पूछो कि भैया ये मेरे को ऐसा मेल आया, कोई टेक्निकल बंदे से पूछो, कोई आपके बड़ा हो आपसे, उससे पूछो कि मेरे को ऐसे ऐसे मेल आया है, क्या मुझे ये करना चाहिए. मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए. और ऐसे कोई भी मेल ऐसे आए जहाँ पर आपको बहुत सारा पैसा देने का लालच दिया जा रहा हो, उस मेल को बिल्कुल ओपन ना करें और बिल्कुल भी अपनी पर्सनल डिटेल वहाँ पे ना दें. ये ऑनलाइन स्कैम और ऑनलाइन फ्रॉड में आता है. सेकंड फ्रॉड कैसे करते हैं वो लोग, वो आपसे बैंक लोन का लालच देंगे. वो आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल को, क्रेडिट कार्ड की जो आपकी वो रहती लिमिट, उसको बढ़ाने का लालच देंगे. वो बोलेंगे कि आप प्लीज़ मानविंद या प्लीज़ राहुल, प्लीज़ सेंड योर बैंक डिटेल, प्लीज़ सेंड योर दिस नंबर, वी विल इंक्रीज़ योर क्रेडिट कार्ड लिमिट, और हमने आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट ऑलरेडी एक्सटेंड कर दी है, अगर आप हमें ये बताओगे अब ये फीस दोगे तो आपको जल्दी से क्रेडिट कार्ड में, आपके उसमें बैंक अकाउंट में इतना सारा पैसा आ जाएगा. ठीक है, ये भी एक तरीके से ऑनलाइन स्कैम में आता है. ठीक है, तीसरा वो आपको लॉटरी लालच देते हैं. वो बोलते हैं कि आपका ही मानवेंद्र, आपकी इतनी सारी लॉटरी निकली है, आपको इस लॉटरी में इतना अमाउंट निकला है, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करोगे और अपनी डिटेल्स दोगे तो हम आपको अकाउंट में, आपके अकाउंट में इतना सारा पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे. कभी भी किसी लॉटरी या उसके चक्कर में मत पड़ो. ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी आपको 10 रुपये बोल के आपको लाखों रुपए दे रहा है तो वो कभी नहीं होंगे. 10 रुपये दे के आपको 20 रुपये मिल सकते हैं, 10 रुपये दे के आपको 1000 रुपये नहीं मिल सकते. ठीक है, तो हमेशा याद रखो. और क्या करते हैं वो लोग, और किस तरीके से ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड करते हैं, वो आपको इमोशनली टच करते हैं. मैं बताता हूँ कैसे. कोई डेटिंग का ऐप भेज देंगे, किसी लड़की के नाम से ऐप भेज देंगे कि हेलो आई एम प्रिया, इफ़ यू वांट टू मीट, या इफ़ यू वांट टू चैट विद अस, प्लीज़ क्लिक दिस लिंक. जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आप कोई डिटेल सेंड, डिटेल भरोगे, आपको एक मेंबरशिप अलग वेबसाइट के लिए ले जाएंगे, आपको कुछ पैसे चार्ज करेंगे. ठीक है, आप एक तरीके से वहाँ पे भी फंसते हो. ठीक है, तो कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल वहाँ पे मत डालो. और एक तरीका और करते हैं ये लोग, क्या करते हैं कि फ्रॉड ऑनलाइन पोर्टल बनाते हैं. फ्रॉड ऑनलाइन पोर्टल मतलब समझते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, जिसमें कि ये क्या बोलते हैं, आपको एक मैसेज या मेल आता है जिसमें ये बोलते हैं कि ये 1 रुपये में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा. कभी यार 1 रुपये में प्रोडक्ट मिल सकता है? 1 रुपये में टॉफ़ी ज़रूर मिल रही है आजकल, वो भी पार्ले जी की मीठी वाली, बहुत अच्छी लगती है, तो 1 रुपये की टॉफ़ी खा लो यार. पर 1 रुपये के प्रोडक्ट के चक्कर में उस लिंक पर क्लिक मत करो. मैं तो कहता हूँ कि जिस किसी भी वेबसाइट पर SSL नहीं लगा है, वेबसाइट की URL से पहले ग्रीन नहीं आ रहा है, तो उस वेबसाइट पर कोई भी पेमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी मत करो. ना उस पर कोई अपनी डेबिट कार्ड डिटेल डालो, ना क्रेडिट कार्ड डिटेल डालो, ना कोई ट्रांजेक्शन करो, जब तक देख लो कि उस वेबसाइट पर SSL है कि नहीं, मतलब ग्रीन सिक्योर लेयर है कि नहीं, देखा होगा आपने. ठीक है, अगर वो नहीं है तो प्लीज़ उस जगह, उधर से कोई भी परचेज ना करो. ठीक है, और क्या करते हैं जी, आपको ट्रैवल और इवेंट के हिसाब से मेल भेजते हैं कि हम आपको 4 रात और 4 दिन के ये पैकेज देते हैं, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जा सकते हो सिर्फ 10 रुपये में. भाई 10 रुपये में यार कुरकुरे खा सकता हूँ, मैं ट्रैवल पे नहीं जा सकता ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप जा सकते हो क्योंकि आप लालची हो. तो लालच में मना ना फंसो. ध्यान रखो कि ये सारे स्कैम्स हैं. कभी भी एक सबसे बड़ी बात याद रखो यार, जहाँ पर कोई 10 रुपये दे के आपको 100 रुपये दे रहा है ना, बहुत खतरा है वहाँ. और जहाँ पे 10 रुपये दे के कोई अगर 15 दे रहा है तो
एक बार को विचार किया जा सकता है, गूगल पर सर्च किया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ा जा सकता है, उसको बारे में और जानकारी ली जा सकती है। ठीक है, ऐसे ही और क्या करते हैं वो, और वो आपको देते हैं कि बहुत सारा कि हे आप इतना सारा पैसा जीते हैं और आप इतना सारा पैसा जीत सकते हैं, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप बहुत सारा पैसा जीत सकते हो, और एक तरीके से आपको इतना एक्साइटेड कर देंगे कि आप उस लिंक पर क्लिक करोगे ही करोगे। तो इन लिंक पर जब भी क्लिक करते हो ना, देखते हो कभी आप देखना कि बहुत सारे रिडायरेक्ट हो जाते हैं, पहले कभी कुछ फाइल खुलेगी, कभी कुछ फाइल खुलेगी, फिर एक ऐसी फाइल खुलती है कि आपका मोबाइल या फिर लैपटॉप वहीं के वहीं स्टक हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो उन लिंक्स पर क्लिक ना बहुत सोच समझ के करो, ठीक है। ये सारे ना ऑनलाइन फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम के तरीके हैं जो कि लोग आजकल कर रहे हैं, आपको फंसाने के लिए कर रहे हैं, हमको फंसाने के लिए, और हम लोग ह्यूमन हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, हम फंसते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन सब से बचो और इन सब को जानो, ठीक है। इसीलिए मैं एक बात और कह रहा हूँ, ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल है, इसको आप शेयर भी करना, ठीक है। और मैं बताता हूँ और क्या और कैसे बच सकते हैं और कौन कौन से तरीके होते हैं, एक दो बता बहुत से तो बता चुका हूँ, मैं और बताता हूँ एक इम्पोर्टेंट वाला, वो ये है कि मान लो कि आप फ्री का वाईफाई यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कहीं पर कभी फ्री का वाईफाई भी यूज़ मत करो। फ्री के वाईफाई में क्या होता है कि वो पब्लिक वाईफाई होता है। अब पब्लिक वाईफाई में जब भी आपको भी कोई पासवर्ड वगैरह उसका डालते हो ना और वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन करते हो, तो वहाँ पे जो हैकर्स होते हैं वो बीच में ही आपकी क्रेडिट कार्ड या कोई भी डिटेल को हैक कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखो कि प्राइवेट वाले वाईफाई को एक्सेस करो, कभी भी पब्लिक वाईफाई को एक्सेस कर रहे हो तो उसमें कभी भी ट्रांजेक्शन वाला कोई काम ना करो, वहाँ पर भी आपके साथ ऑनलाइन स्कैम हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। और हाँ, एक और चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादातर देखा है और हम हर कोई गलती करते हैं, हमारे WhatsApp पे एक मैसेज आता है कि हे जियो ने ये प्लान निकाला है, 1 रुपये में आप अगर ये सब्सक्राइब करोगे आपको तो 5 GB नेट मिलेगा। 5 GB नेट हम पैसे दे के तो ले नहीं पा रहे जियो से, तो क्या हम उस मैसेज को फॉरवर्ड करके 5 GB नेट ले लेंगे? दिमाग लगाओ यार, उस मैसेज को कभी भी फॉरवर्ड मत किया करो, क्योंकि उस मैसेज पे क्लिक होते 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 वो 5 करोड़ रुपए कमा लेगा, और क्योंकि उसके इतने शेयर हो जाते हैं, उसकी वेब उसके पास इतनी सारी डिटेल पहुंच जाती है कि वो आपका डेटा किसी को भी दे देगा, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से बचो। तो ये ऑनलाइन जितने भी मैंने आपको बताए ना, ये सारे ऑनलाइन स्कैम और ऑनलाइन फ्रॉड में आते हैं, मैं उनसे आपको तरीके भी बताया कि आप उनसे कैसे बच सकते हो। तो कुल मिला के अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।